नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सन सैल्यूटेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ योगा लाइफ में। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। सन सैल्यूटेशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, पर हमने जो वो सूर्य नमस्कार सीखा था वो हठ योग के अंदर जो किया जाता है उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। सूर्य नमस्कार जो हठ योग के दौरान किया जाता है उसके 12 स्टेप्स होते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं। पर आज हम जो सन सैल्यूटेशन करेंगे जो अष्टांग योग के दौरान किया जाता है, सन सैल्यूटेशन ए, ठीक है, प्राइमरी सीरीज के अंदर ये आता है। अष्टांग योग के अंदर इसका अभ्यास किया जाता है। देखिए, आसन सब सेम ही रहते हैं, बस एक नाम अलग दे दिया गया है, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके चेंज कर दिया गया है। तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में भी आपको सिखाना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं सन सैल्यूटेशन ए, क्योंकि सन सैल्यूटेशन बी भी होता है तो इसलिए ए बी में डिवाइड कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ सन सैल्यूटेशन। तो उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मैट के स्टार्टिंग पे जाके खड़े होना है। बिल्कुल एज पे टच नहीं करेंगे अपना मैं, थोड़ा सा पैर पीछे होना चाहिए, 2.5 इंच पैर पीछे, ठीक है। पैरों के जो बीच का गैप रहेगा वो भी 2.5 इंच का ही रहेगा, ना बिल्कुल पैर बिल्कुल जोड़ के रखेंगे ना बहुत ज्यादा गैप में रखेंगे। तो ये हुआ खड़े होने का तरीका। उसके बाद द फर्स्ट स्टेप इज समस्थिति। समस्थिति, एक तो हम ये सीधा खड़े हैं, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ा हुआ है हमने, और समस्थिति में हमें अपने शरीर की मसल्स को पूरा टाइट करना है, एंगेज करना है। तो फर्स्ट वन, आपको अपने ग्लूट्स टाइट करने हैं, अपने बटक्स टाइट करने हैं, टाइट, ठीक है, अंदर की तरफ उन्हें रोटेट करते हुए। यू हैव टू स्क्वीज योर बटक्स एंड देन टक योर टेलबोन, रोल योर शोल्डर्स बैक इस तरह से, चेस्ट लिफ्टेड, स्क्वीज्ड बेली, टमी अंदर है, हाथों की उंगलियां खुली हुई एंड लुक फॉरवर्ड। यहां पे रहते हुए फिर आपको 3 से 4 बार उज्जयी डीप ब्रेथ करना है। उज्जयी प्राणायाम के ऊपर भी पूरा वीडियो है, अगर आपको अच्छे से क्लियरली उसको समझना है तो आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं। उज्जयी में जब हम सांस लेते हैं, लेना नाक से है, छोड़ना भी नाक से है, पर वो गले से रगड़ता हुआ अंदर बाहर आता है। तो उज्जयी ब्रीथ, तो ये हुआ हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ऊर्ध्व हस्तासन। ऊर्ध्व मतलब उठा हुआ, फैला हुआ। तो सांस भरते हुए इस तरह हाथ ऊपर जाएंगे, नमस्ते मुद्रा में लेके जाना है। जो मसल्स का एंगेजमेंट था, जो टाइट किया था, वो एज इट इज रहेगा। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ देखना है, पीछे नहीं झुकना है, पीछे झुकने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हाथ ऊपर, नजर ऊपर। उसके बाद सांस छोड़ते हुए हमें उत्तान आसन में जाना है, श्वास छोड़ते हुए, ये, ठीक है। यहाँ पे हंच ना करें आप, ये कुब पीछे गोल पीठ लेके नहीं करना है। अगर आपके हाथ नीचे नहीं जाते हैं, आप थोड़ा सा नी बेंड कर लीजिए यहाँ पे, इस तरीके से आपका पेट, आपका चेस्ट लिफ्टेड रहेगा, और ये हाथ रखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे होल्ड कीजिए। जिनका कुब निकलता है, हंच आता है, हंच बैक के साथ पोस्चर नहीं करेंगे। अगर कुब नहीं है, यू आर कंफर्टेबल विद अ स्ट्रेट बैक, देन यू हैव टू स्टे। देन इनहेल, हाफ उत्तान आसन, अब अर्ध करेंगे, अब अपनी उंगलियों पे आना है, सामने देखना है, कमर सीधी, और फिर यहां से ब्रीथ आउट करते हुए जाएंगे चतुरंग दंड आसन में। चतुरंग दंड में जाने के लिए आप एक एक पैर करके भी पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है, या फिर जो कंफर्टेबल है वो यहां से ब्रीथ आउट करते हुए जंप करके भी पीछे जा सकते हैं। सो थोड़ा सा नी फोल्ड एंड जंप एंड चतुरंग दंड आसन, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, हो सकता है कुछ लोगों को चतुरंग दंड में होल्ड करना मुश्किल लगे, बिकॉज थोड़ा सा है मुश्किल आसन। तो बेसिकली उसमें होता क्या है, जब हम टोज पीछे करके आए तो हम यहाँ थे, यहाँ से मैंने अपनी एल्बो को फोल्ड किया एंड देन यहाँ पे आई, ठीक, मेरी जो पूरी बॉडी थी वो जमीन से ऊपर थी। अगर आप बिगिनर हो, चतुरंग में जाना मुश्किल लगता है, देन यू कैन स्टे हियर, ये टोज लाइक दिस, ठीक है, आप यहाँ पे स्टे कीजिए। फिर विद द प्रैक्टिस अपना एल्बो हमें फोल्ड करना है और नीचे जाना है, और यहां से जाना है ऊर्ध्वमुख स्वानासन में,
इट इज कॉल्ड ऊर्ध्वमुख स्वानासन, अपवर्ड फेसिंग डॉग। अब अपवर्ड में भी क्या है, जो मेरी नीज और मेरे थाइज है वो नीचे लगे हुए हैं। दिस इज फॉर बिगिनर, जिन्हें सीखना है, अभी शुरुआत करना है। अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं योग की या हठ योग के सूर्य नमस्कार की, तो आपको क्या करना है, मैं आसान भी बता रही हूँ, मुश्किल भी बता रही हूँ। सो अगेन वापिस यहाँ पे, ठीक है, अब एक साथ देखिएगा, जंप, ठीक है, चतुरंग दंडासन एंड अधोमुख स्वान, सॉरी ऊर्ध्वमुख स्वानासन, लिफ्टेड नीज, ठीक है, टोज ज्यादा आगे नहीं आएंगे, इस तरह से जो चेस्ट है लिफ्टेड, थाइज लिफ्टेड, ये हुआ। अब यहां से ब्रीद आउट करते हुए अधोमुख स्वानासन, दोनों पैरों पे यहां पे, ठीक है। इजी वे में भी बताया नीज कैसे नीचे रख के करना है, थाइज नीचे रख के करना है, और लिफ्टेड करके कैसे करना है वो भी बताया। अब हम अधोमुख स्वानासन में है, अधोमुख स्वानासन में हमें 5 डीप ब्रेथ फिर करने हैं, उज्जयी में करने हैं। तो हम इस पोस्चर में थे, पैरों में गैप है, आपकी जो एल्बो है ज्यादा लॉक नहीं करेंगे, ठीक है, ये आउटर रोटेशन बाहर की तरफ, शोल्डर पीछे की तरफ, ये चीज, और जो आपका गेज है अंदर की तरफ, बेली स्क्वीज्ड एंड स्टे, तो 5 डीप ब्रेथ्स यहाँ करने ही करने हैं। उसके बाद अब हमें वापस आगे आना है, फिर से वही तरीका है, या एक एक पैर करके आगे आ जाओ, या फिर दोनों पैर एक साथ जंप करते हुए, यू हैव टू कम फॉरवर्ड एंड कम इन हाफ उत्तानासन, ठीक है, गेज सामने, लिफ्टेड चिन, लिफ्टेड चेस्ट, स्ट्रेट बैक, उसके बाद एक्सहेल उत्तानासन, देन इनहेल, glutes tight, tummy tight, look up, Urdhva Hastasana, and exhale, Samasthiti, and relax. तो जो मसल एंगेजमेंट बताया, glutes tight, tummy tight, lifted chest, roll your shoulders back, हर चीज पे नोटिस करना है, हर चीज पे ध्यान देते हुए करना है। इजी भी बताया, एक एक लेग पीछे ले जाओ, फिर अगर चतुरंगा नहीं होता है तो वहीं हाफ करके रुको, नीज नीचे लगा के ऊर्ध्वमुख स्वानासन करो, है ना, तो हर चीज। तो ये था सन सैल्यूटेशन ए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हमारी ओवरऑल बॉडी पे ये असर डालता है, पूरे शरीर का इसमें व्यायाम होता है, कसरत होती है, तो इसको जरूर करें और इसका फायदा उठाएं। तो नेक्स्ट टाइम फिर कभी सन सैल्यूटेशन बी के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, योगा लाइफ के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।